ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खत्म होने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भी इंडियन टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20, 3 ODI और 2 TC होने हैं। तीनों सीरीज के लिए BCCI ने टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे और T20 सीरीज से रेस्ट दिया गया है। वनडे में KL राहुल टीम को लीड करेंगे, जबकि T20 में कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में ही रहेगी। टेस्ट में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। रोहित शर्मा के T20 में बतौर कप्तान की वापसी के लिए कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन BCCI द्वारा जानकारी दी गई है कि रोहित और विराट दोनों ने वनडे और T20 सीरीज में रेस्ट मांगा है। इसके अलावा मोहम्मद शमी फिटनेस समस्याओं के चलते इन दोनों सीरीज से बाहर रहेंगे। हालांकि तीनों खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 TC में वापसी करेंगे। इसके अलावा युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि वनडे में उनके साथ पर साई सुदर्शन नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, रजत पटीदार को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। तो दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा का T20 टीम में ना होना के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही ऐसे और भी क्रिकेट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।